नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण भनोट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में एक स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक युवाओं के संबंधित जो आजकल के युग की एक खास समस्या है जिसे हम कंप्यूटर का युग बोलते हैं उसको रिलेटेड है, जिसका नाम है टेंशन नेक सिंड्रोम। हम सब देखते हैं कि आज की डेट में हमारा बहुत सारा काम जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल रिलेटेड है, और कई बार युवाओं को अपने स्कूल का काम करने के लिए या जो यंग एडल्ट्स हैं उनको अपनी जॉब को लेकर कंप्यूटर पे काम करते रहना पड़ता है घंटों घंटों, और उसके अलावा कभी अपना काम ख़त्म होने के बाद भी मोबाइल पे भी कई बार मेल्स के जवाब देने पड़ते हैं। सो ज़्यादातर लोग जो यंग एडल्ट्स हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड काम को लेके बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो अपने पोस्चर को सही नहीं कर पाते। उसका नतीजा ये होता है कि उनके जो ये कंधे होते हैं या जो कंधों को मसल्स जो ज्वाइन करते हैं हमारी गर्दन को और बाकी धड़ को, जिसे हम ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं या इसके साथ इसके जो सहायक मसल्स होते हैं, इनके अंदर कांस्टेंट आगे झुक के स्क्रीन देखने से या मोबाइल को स्मॉल स्क्रीन को ऐसे देखने से ये स्पैज़म में चले जाते हैं, और इसकी वजह से टेंशन नेक सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है उससे वो ग्रसित हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या है? ज़्यादातर मरीज़ गर्दन में दर्द, दोनों कंधों में दर्द होना, थकान रहना या टाइटनेस का महसूस होना या कभी कभी सिर दर्द भी होना, इस तरह की तकलीफ़ों के बारे में वो बयान करते हैं। कभी कभार ये दर्द बाजू के ऊपरी हिस्से में भी आ सकता है, और तब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल नर्व रूट इरिटेशन के साथ कन्फ्यूज किया जा सकता है, पर अधिकतर ये टेंशन नेक सिंड्रोम की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि ये क्लियरली पोस्चुरल प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितना हम स्क्रीन को आगे झुक के पास से देखेंगे, लंबे समय तक देखेंगे, उतना ही हमारा पोस्चर जो है वो सही रहने की संभावना कम होती जाती है, और ऐसी स्थिति में जो हमारे मसल्स हैं वो कांस्टेंट एक्शन में रहने की वजह से स्पैज़म में चले जाते हैं। अब ये तो हो गया कि ये तकलीफ़ है क्या, अब इससे बचा कैसे जा सकता है और ठीक कैसे हुआ जा सकता है? बचने के उपाय तो वही हैं जहाँ पे हमें कारण दिख रहा है, मतलब ये कि लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बचना। स्क्रीन का और आँखों का या गर्दन का जो डिस्टेंस है वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस तकरीबन 1.5 फुट के करीब मेंटेन करके रखना, जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी आँखों के लेवल पे रहे और आपको नीचे ना देखना पड़े या ऊपर ना देखना पड़े, जिससे कि आपके नेक और शोल्डर मसल स्पैज़म में ना जाएं। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना, आधे पौने घंटे के बाद अगर संभव हो तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें, तो उससे आपके जो मसल्स हैं वो जो रिलीज़ हो जाएंगे, उनके ऊपर जो टाइटनेस या स्पैज़म आने की संभावना है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा बीच बीच में थोड़ा सा शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं जैसे शोल्डर कंधों को ऐसे धीरे से ऊपर उठा के नीचे करना, या गर्दन को दाएं और बाएं घुमा के स्ट्रेच करना या ऊपर और नीचे घुमा के स्ट्रेच करना, इन सब चीज़ों से जो मसल स्पैज़म में जा रहा है वो स्पैज़म में जाने से रुक सकता है। इसके साथ साथ अगर ये तकलीफ़ आपको बार बार तंग करती है तो अपने पास के किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका डायग्नोसिस करवाएं, और फिर उसके साथ जैसे भी वो दवाई देते हैं तो दवाई और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता लेके कुछ रेगुलर नेक एंड शोल्डर एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, जिससे कि इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। धन्यवाद।